हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि मोहित जी अभी बहुत बिजी है। तो सुबह सुबह मैं अभी उठ चुका हूँ, ब्रश मैं कर चुका हूँ और सारे लोग घर में उठ चुके हैं। आज मुझे सुबह उठते ही भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि जाके मैं मोहित जी को बोलूँ कि पाव भाजी बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। मोहित जी, हाँ बोलो बाबू। मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। क्या खाना है बताओ। चलो हम काम बाद में करेंगे। आज मुझे बहुत ज्यादा पाव भाजी खाने का मन कर रहा है। पाव भाजी? हाँ तुम्हारा फेवरेट है ना। हाँ। लेकिन पाव भाजी का तो सामान है नहीं, तो अब तो मुझे जाना पड़ेगा मार्केट क्योंकि मेरे छोटे भाई का डिमांड जो पूरा करना है। तो चलिए पहले मार्केट से पाव भाजी का सामान लेके आते हैं, जैसे कि पाव मसाला वगैरह जो भी है वो मैं लेके आती हूँ। उसके बाद इसको खिलाती हूँ मैं आज पाव भाजी। आज तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए कितना खुश हो गया बच्चा। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से सामान लेके आते हैं घर और उसके बाद बनाते हैं पाव भाजी। तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ अपने भाई का डिमांड पूरा करने के लिए एंड अभी मैं चलती हूँ मार्केट। तो उसके बाद जो भी सामान मुझे चाहिए होगा वो मैं लेके आने वाली हूँ। एंड कैसी लग रही हूँ मैं? ऑलवेज सुंदर लगती हूँ। तो चलिए पहले की ले लेते हैं अपनी स्कूटी का चंचना एंड बाहर। तो चलिए चलते हैं। ठीक है गाइस, मोनी जी जा रही है सामान लेने के लिए और यहाँ ब्राउनी भी बाहर आ गई है। चलिए गाइस, दीदी तो चली गई। तो गाइस अभी मोनी दी आ गई है बहुत टाइम के बाद। आखिरकार आ गया तुम्हारा सारा सामान। चलो ऊपर दिखाती हूँ, बंद होता। चलिए तो गाइस अभी मोनी दी आ रही होंगी सामान लेके नीचे से, तब तक हम लोग यही रहते हैं। और गाइस आखिरकार आ गई मोनी दी। देखो ले आई, ये है पाव। अभी देख सकते हो कितना बड़ा सा लेके आई हूँ। आज मैं तुम्हें पूरा पेट भर के खिलाने वाली हूँ पाव भाजी एंड ये पाव भाजी मसाला, क्योंकि यही दो चीज था जो घर में नहीं था, बाकी सारा सामान घर में था। तो अब बना करके तुमको खिलाते हैं, तो चलिए किचन में। तो गाइस यहाँ पे मैंने ले लिया है रेड रेड टमाटर, पोटैटो एंड गोभी। ये तीनों को मैं अभी बॉयल करने के लिए दूंगी एंड दो से तीन नहीं चार से पाँच सीटी लगाएंगे ताकि आलू भी हम लोग का अच्छे से पक जाए। एंड उसके बाद हम लोग इसका भाजी बनाएंगे। तो सिंपल इसको अच्छे से वॉश कर लेना है एंड उसके बाद इसको चार पांच सीटी आने तक बॉयल करना है। तो गाइस हमारा कढ़ाई गर्म हो गया, अब हम लोग इसमें डाल रहे हैं सरसों का तेल। आप बटर भी यूज कर सकते हैं बट मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। इसको चटकने देना है एंड उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे हींग। मुझे हींग का फ्लेवर इसमें काफ़ी पसंद है, मैं हींग भी डाल दी हूँ। और जैसे ही हमारा जीरा चटक जाएगा हम लोग इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। जीरा भी चटक चुका है, अब डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे मैं दो बारीक कटा हुआ प्याज ली हूँ और इसको हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ हल्दी पाउडर, जीरा गोल की पाउडर, ये मेरा गरम मसाला एंड ये तीखा लाल। तो ये सारे मसाले को मैं इस गोल्डन फ्राई हुआ प्याज में ऐड कर दूंगी एंड इसको अच्छे से भून लेंगे दो मिनट तक। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे पाव भाजी मसाला। तो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला। ये मैंने एक पैकेट पूरा निकाल लिया है एंड इसको भी मैं इस मसाले में ऐड कर दूंगी एंड इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब जो हम लोगों ने आलू एंड प्याज, आलू गोभी और टमाटर को जो बॉयल किया था उसको भी ऐड करके फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छा महकाना स्टार्ट हो गया है। इससे काफी अच्छा इसका स्मेल लग रहा है मसाले का। तो यहाँ पे सारा मसाला हम लोग का अच्छे से फ्राई हो गया है एंड अब मैं ये मिक्सचर डालने वाली हूँ सारा बॉयल्ड वेजिस एंड इसको मैं पोटैटो मैशर से मैश करूंगी इस कुछ इस तरह से। काफी अच्छे से मैश करने के बाद हम लोग इसको
दो तीन मिनट और भूनेंगे और उसके बाद थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये हमारा अच्छे से मैश्ड हो गया है एंड अब बारी है इसमें नमक डालने की। तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा नमक। एंड इसके साथ साथ मैं ऐड करने वाली हूँ पानी, और इसको मैं पानी डाल करके बॉयल होने दूंगी एंड थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। 5 मिनट तक इसको अच्छे से पकाएंगे मिलाने के बाद, एंड रेडी हो जाएगा हमारा भाजी। रेडी हो चुका है पाव भाजी का, कितना मस्त कलर है। एंड लास्ट इसमें एक इंग्रेडिएंट और डालना है जो कि है हरा धनिया। सो इसको भी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इससे। जी और गाइस मैं बता दूँ, मौसम बाहर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, बारिश भी हो रहा है। क्या आप लोग के इधर भी हो रहा है? तो गाइस ये हमारा बन है पाव भाजी का, पाव है पाव क्या है कुछ। और मेरे साथ मेरा हेल्प कर रहा है मेरा भाई, जो आज बोला है कि सारा ब्लॉगिंग मैं करने वाला हूँ। तो ये हमारा पाव है, इसको मैं सिंपली क्या करने वाली हूँ, इसको बीच से कट करूँगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये बड़ा वाला चक्कू, इधर देखो, और ये बड़ा वाला चक्कू है, इसको मैं इससे बीच में कट करूँगी। काफ़ी ईजी वे में कट हो जाता है ये। एंड इसको हम लोग कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मेरा तवा मैंने ले लिया है एंड तवा को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। इस पे मैं यूज़ कर रही हूँ घी। यस, नहीं खाने वाले हो क्या? खाएगा मेरा भाई, खाएगा। एंड मैं थोड़ा सा इसको अच्छा फ्लेवर देती हूँ, मुझे थोड़ा सा कुछ अलग डाल करके मुझे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑनियन डालूंगी। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से। एंड ये हमारा बन है जिसको मैं इसके ऊपर रखने वाली हूँ, एंड दूसरा बन को भी मैं अच्छे से रख लूँगी। एंड इसको इस तरह से हम लोग दोनों साइड से ग्रिल करेंगे। ग्रिल नहीं, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, पानी बोल रही मैं, तेल में फ्राई करेंगे। रन क्या हो गया मुझे अचानक से, माइंड में नहीं आ रहा था कुछ भी। इस तरह से काफ़ी सही लगता है मुझे। आप यहाँ पे ओनियंस के जगह पे ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोरिएंडर, धनिया मतलब पता है क्या होता है भाई? बिहारी लैंग्वेज में है ये। हमारा बेस काफी अच्छे से, ये हमारा एक बन रेडी हो चुका है। देखिए सुबह धनिया इतना पसंद है। तो अब प्लेटिंग की बारी है, तो प्लेटिंग करते हैं पाव भाजी का। तो गाइस रेडी हो चुका है गर्मा गर्म टेस्टी सा, क्या बोलते हैं, पाव भाजी। तो चलिए जो फरमाइश किया था उसको खिला देते हैं और पूछते हैं उससे कि कैसा बना है। अदिति आओ तुम भी खा लो, आ जाओ, कम टेस्ट करो कुर्सी पे बैठ। किसु टेस्ट करके बताओ कैसा बना, जैसा तुम खोज रहा था वैसा बना है कि नहीं। ये मेरे भाई का खाने का स्टाइल देखिए, अरे वाह, अंग्रेज हो पूरा। बहुत टेस्टी है ये तो। टेस्टी लगा ना? तो पूरा खत्म हो जाएगा? हाँ। और भी चाहिए होगा तो जरूर बोलना, खाओ खाओ मस्त से। और तो लेना पड़ेगा। तो लेना पड़ेगा तो मिलेगा भाई, तुमको बोले ना कि तुमको पेट भर के खिलाने वाले हैं। और पाव भाजी जब इसका फरमाइश था सुबह सुबह अंकित कि हमको पाव भाजी खाना, बोले रुको जा कर लेके आते हैं। अरे तुम बता। अच्छा, लिटरली अच्छा है। तो गाइस आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए, ऐसा बना सकते हैं आप लोग, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। और बच्चे लोग का डिमांड पूरा कीजिए, क्योंकि अभी सभी बच्चे लोग का स्कूल में छुट्टी हो चुका है, अनिलों का भी छुट्टी हुआ था और
इन लोग अभी हम लोग से मिलने आया है, तो हम लोग मतलब मुझे कुकिंग में बहुत ज्यादा सच में बहुत टेस्टी बना है। प्याज के जो फ्लेवर आया ना बहुत मस्त है। गाइस आप भी खा लीजिए, तो आप लोग भी अपने घर में छोटे छोटे बच्चे जो लोग भी हैं उनको बना के खिलाइए, बहुत उन लोग इंजॉय करेंगे और ये थोड़ा हेल्दी भी है क्योंकि आप घर में बना के खिला रहे हो। अगर बच्चे भी देख रहे होंगे तो बच्चे लोग जीत कीजिए मम्मी पापा से अपने दी से बनाने के लिए। क्या सही बोले ना? तो ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा रेसिपी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में और भी बहुत सारा मस्ती करने वाले क्योंकि हम लोग का भाई बहन सब लोग आए हुए हैं, हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर बहुत सारे गेम खेलने वाले हैं, बहुत सारी मस्ती होने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और तुम लोग एंजॉय करो हम और बना करके सबको खिलाते हैं। Thank you.